नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष सोनावाला फिजिशियन कालीना संताक्रूज ईस्ट में प्रैक्टिस करता हूं और कुछ हॉस्पिटल में अटैच हूं। मैं आज का वर्ल्ड हार्ट डे विश्व आरोग्य दिवस के अवसर पर डिसलिपिडेमिया के बारे में बात करना चाहता हूं। डिसलिपिडेमिया क्या है? डिस माने हानिकारक मात्रा में, जो लिपिड हानिकारक मात्रा में हो, और लिपिड माने वसा, कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड, जो कुछ अधिक मात्रा में हो सकता है, कम मात्रा में हो सकता है और हमारे लिए हानिकारक। जो रक्त में लिपिड ज़्यादा मात्रा में या कम मात्रा में हमारे हानिकारक है, उसको डिसलिपिडेमिया बोलेंगे। डिसलिपिडेमिया क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हृदय रोग जो होता है उनमें से मुख्य कारण एक डिसलिपिडेमिया होता है, और जब भी डिसलिपिडेमिया होता है तो उनकी वजह से हृदय रोग होने की शक्यता बढ़ जाती है। तो अभी हम ये देखेंगे कि क्या है लिपिड्स, क्या है लिपिड। ज़्यादा करके हम लोग कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दो चीज़ में चेक करते हैं, और कोलेस्ट्रॉल हम चेक कैसे करते हैं? हम लोग कोलेस्ट्रॉल कैरियर लाइपोप्रोटीन चेक करते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल का कैरियर है, जो एचडीएल हो सकता है या तो एलडीएल हो सकता है। एचडीएल ज़्यादा करके लोगों को अक्सर मालूम है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी गुड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन माने बैड कोलेस्ट्रॉल करके जाना जाता है, और दूसरा एक ट्राइग्लिसराइड। तो हमें क्या कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बहुत बुरी चीज़ है? हमें क्या ज़रूरत है उनकी? नेचर ने, कुदरत ने क्यों बनाया है? नो, इनकी ज़रूरत बहुत है। कोलेस्ट्रॉल हमारी कोशिका, हमारे सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे कुछ हॉर्मोन्स, कुछ ऑर्गन्स के लिए हॉर्मोन बनाने में कोलेस्ट्रॉल बहुत उपयुक्त है। ट्राइग्लिसराइड एनर्जी रिजर्वायर हमारे बॉडी में, जब भी एक्स्ट्रा कैलोरी लेते हैं तो ट्राइग्लिसराइड के रूप में कंजर्व हो जाते हैं, और हम ज़्यादा जब भी ज़रूरत है तभी यूज़ कर सकते हैं। उसको छोड़ के भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन ये दो मेन फंक्शंस हैं। लेकिन अगर यही कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड अधिक मात्रा में हो जाए तो हानिकारक हो सकता है। तो कैसे होता है कि हमारे खान पान की पद्धति बदल गई, हम जंक फूड खाते हैं, हम प्रोसेस फूड खाते हैं, अधिक मात्रा में कैलोरी लेते हैं, हमारे जो मात्रा, जो फैट की मात्रा है या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफ़ी अधिक प्रोपोर्शन नहीं, हम ग्रीन लीफ वेजिटेबल ज़्यादा नहीं लेते हैं, और खाने की आदत भी बराबर नहीं, फिजिकल इनएक्टिविटी हो गया, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, इसी वजह से डिसलिपिडेमिया हो जाता है। तो हम क्या करें और इनके लक्षण क्या है? जो डिसलिपिडेमिया शुरुआत में कोई लक्षण नहीं होता है, अगर थोड़ा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, थोड़ा एचडीएल कम है या थोड़ा एलडीएल लाइक में ज़्यादा हो गया, कोई लक्षण नहीं होएगा। लेकिन धीरे धीरे जाके जब ये हृदय रोग करते हैं या तो सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट पैरालिसिस करते हैं या पेरिफेरल आर्टरियल डिसीज करते हैं, तभी हमको मालूम पड़ता है, ये बहुत देर हो जाती है। तो इसीलिए लिपिड लेवल डिसलिपिडेमिया रेगुलर चेक करते रहे तो ही हमें मालूम पड़ सकता है। तो हमें डिसलिपिडेमिया कैसे कंट्रोल करें? वैसे तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बहुत है, लेकिन आज हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं उसके बारे में करेंगे। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि अपना वेट कंट्रोल में रखो, आइडियल बॉडी वेट, जितना वजन कम रखेंगे उतना अच्छा रहता है। उसके बाद में हम डाइट के बारे में बात करेंगे, तो डाइट सही मात्रा में ले तो अच्छा रहता है। डाइट में हम एक तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट और फाइबर, ये चार चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, एक्सेस कैलोरी लेते हैं, तो उन्हीं में से हमारी बॉडी ट्राइग्लिसराइड बना लेती है। हम फैटी चीज़ ज़्यादा लेते हैं, स्पेसिफिकली सैचुरेटेड फैट ज़्यादा लेते हैं, उनमें एलडीएल की मात्रा ज़्यादा रहती है। ये सैचुरेटेड फैट क्या है? ये सैचुरेटेड फैट ज़्यादा करके एनिमल ओरिजिन में आता है, जैसे हम रेड मीट कोई भी एनिमल खाते हैं, सेवन करते हैं, या तो डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट में से चीज़ है, बटर है, या तो आइसक्रीम है, क्रीम है, ये सब चीज़ में भी एक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा आती है। तो एक तो सैचुरेटेड फैट कम करना चाहिए, दूसरा ट्रांसफैट। ये ट्रांसफैट तो हमको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ट्रांसफैट जितना कम रखेंगे उतना अच्छा है। सैचुरेटेड फैट में तो ऐसा है कि हमारे खाने में 10% में खाने में फैट का आ गया तो चलेगा सैचुरेटेड फैट। जब हम जंक प्रोसेस फूड बाहर से लेते हैं तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि सैचुरेटेड फैट 5 ग्राम से ज़्यादा ना आए,
लेकिन ट्रांसफेट जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल में से आता है वो तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ट्रांसफेट बिल्कुल जितना कम रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। और उसके बाद में एक मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, मुफा बोलते हैं और पुफा बोलते हैं, वो ध्यान में रहना चाहिए। मुफा हमारे को ज़्यादा करके फ्लेक्सीड हमको सब ऑयल में से कोड़ा उसमें से मिल जाएगा, कैनो ऑयल में से, ऑलिव ऑयल में से मिल जाएगा। और पुफा ज़्यादा करके हम लोग ओमेगा 3 और ओमेगा 6 में डिवाइड करते हैं। जो ओमेगा 3 हमारे को ज़्यादा करके सब फिश जैसे सालमन है, मैकरल है, सार्डिल है, और फिश ऑयल में से मिल जाता है। और दूसरा फ्लेक्सीड में से मिल जाता है, वॉलनट में से मिल जाएगा। और जो ओमेगा 6 है तो ज़्यादा करके हम लोग जो सब ऑयल यूज़ करते हैं, सनफ्लावर है, सरफोला ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, वो सब में अधिक मात्रा में। तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो भी मेंटेन रहना चाहिए। तो ये सब मेंटेन रहे तो अच्छा है। ट्रांसफेट बिल्कुल अवॉइड कीजिए, सैचुरेटेड फैट लिमिटेड मात्रा में लीजिए, मुफा और पुफा अधिक मात्रा में लीजिए, और पुफा में फिर बाद में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो जितना मेंटेन रहे उतना अच्छा है। ये हो गया हमारा फैट की बात है। कार्बोहाइड्रेट भी कम रखना चाहिए और हमको ज्यादा से ज्यादा फाइबर वाला खाना लेना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज्यादा लेंगे तो उसमें फाइबर भी ज्यादा आएगा, उसमें विटामिन मिनरल को भी आ जाएगा। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना चाहिए। तो हम लोग डाइट और वेट कंट्रोल के बाद में एक्सरसाइज, तो हम ज्यादा करके फिजिकल इनएक्टिव हो गए हैं, तो एक्सरसाइज तो रेगुलर रोज करना ही चाहिए। आधा से पौना घंटा रोज का एक्सरसाइज जो भी हो सके, चलना हो, साइकिलिंग हो, जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। लेकिन उसको छोड़ के हम एक पॉइंट है कि फिजिकली इनएक्टिव हो गए। जो फिजिकली इनएक्टिविटी माने छोटी छोटी चीज, हम लोग बैठे रहते हैं, टीवी ज्यादा देखते हैं, कुछ चलते नहीं, छोटे छोटे काम के लिए, जो फिजिकली इनएक्टिविटी भी कम करना चाहिए। उसके बाद में हमको क्या करना चाहिए, तो स्मोकिंग अगर करते हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। स्मोकिंग की वजह से भी एचडीएल बढ़ कम हो सकता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कोई ड्रिंक्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उसमें भी ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद में हम ज़्यादा अच्छी नींद निकालें, स्ट्रेस कम कर लें, और अच्छे नियमित आहार और नियम हमारा वजन कंट्रोल करके, खाने पीने में कंट्रोल करके अच्छे से जिए। और हो सके तो दूसरा कोई एक्टिविटी हमें जो पसंद है, जैसे योगा है, मेडिटेशन है, वो भी कर ले तो अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ों से, उसके साथ में हम सॉल्ट भी कम रखे तो अच्छा है। और ऑयल के बारे में, मैं फैट के बारे में इतना बोलना चाहूंगा कि फैट आप ऑयल चेंज करते रहिए, ब्लेंडेड लीजिए और 15 ml पर डे लीजिए, उससे ज्यादा नहीं लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसी तरह से हम हमारे डिसलेपिडेमिया को कंट्रोल कर सकते हैं और हृदय रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। थैंक यू।